तुझे कहा है ना नहीं करनी शादी तो बस नहीं करनी, अगर तुझे करनी है ना तो कर ले, पर मेरा मरा मुंह देखेगा। तुम अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रही हो बैठ के, बजाय इसके कि पूछो उससे लड़की कौन है। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारी इस आवारा नकमे भाई से शादी करूंगी मैं। शौकत का रिश्ता लेके ना तेरी बेटी के पास गई थी। फिर क्या, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, तेरी रानो को इतना बुरा भला कहा। तुझे कहा किसने था उनके पास जा। अब इस घर में या मैं रहूंगी या ये दोनों माँ बेटियां। तू फिकर ना कर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। बात नहीं, निकाल यहाँ से। अच्छा बाबा निकाल दूंगा, तू गुस्सा चढ़ा कर। कोमल, कोमल कहाँ हो तुम? कोमल किधर चली गई? तुम किचन में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस वो जरा लंच तैयार करवा रही थी। लेकिन क्यों, नौकर वगैरह कहाँ हैं? सब हैं, लेकिन वो जरा एक इम्पोर्टेंट लंच की तैयारी करवा रही थी। पर तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट ड्रेस का कहा है कोमल? हाँ लेट लेट के थक गई, वैसे भी जरा ये इम्पोर्टेंट लंच था तो मैंने सोचा मैं जरा देख लूँ किचन में क्या हो रहा है। क्यों, ऐसा कौन आ रहा है? कोमल क्या हुआ, ऐसा कौन आ रहा है बताओगी? नहीं वकार की दोस्त एनी। एनी, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वो लड़की नहीं जिसे वकार पसंद करता था। हाँ तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, तुमने उसको लंच में बुलाया है। तुम ये सब करके साबित करना चाहती हो कि तुम देवी हो फरिश्ता हो, इन सब बातों का मतलब क्या है यार? कुछ नहीं दिखाना चाहती। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है कोमल? तुम जानती हो ना उस लड़की की वजह से वकार आज तक तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पाया जो तुम्हें डिजर्व करती हो। तुम्हारी ये जिंदगी ना सिर्फ उस लड़की की वजह से नामुकम्मल है। तुम फिर भी, मैं जानती हूँ, लेकिन वकार को कुछ देख के मुझे खुशी मिलती है। मैं जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है जिसे वकार ने इतना चाहा, और मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है। कोमल मोहब्बत ना किसी भी पैमाने से नापी नहीं जा सकती, और तुम अपना और उसका मवाजना करके दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो और कुछ भी नहीं। उस लड़की से मिलके ना तुम्हें सिर्फ गम और तकलीफ मिलेगी और कुछ नहीं। मैं अभी वकार को फ़ोन करती हूँ, बताती हूँ कि तुम ये लंच तैयार नहीं कर सकती, कैंसिल करें लंच। सानिया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मेरी लाइफ है और मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम प्लीज़ बीच में मत आओ। कोमल तुम इतनी ज़िद्दी कब से हो गई हो? आज तुम्हारी ये जिद नहीं चलेगी, मैं अभी वकार को फोन करती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम प्लीज यहां से जाओ। खैरियत, तुमने कॉल की थी, कोई काम है? हाँ एक जरूरी काम था। कहो। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे ऑफिस में बहुत काम था। उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली, अब हमें देर हो रही है, चले। ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? गुड। लेकिन बताओ तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन क्या? अंकल तो होंगे नहीं वहाँ, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहूँ। किससे? यही तो सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये तो वहीं जाके पता चलेगा। प्लीज बता भी दो, मुझे बेचैनी लगी रहेगी। अभी नहीं बता सकता। अच्छा पहली देर हो रही है, चलो चलो ना। कहीं सानिया सही तो नहीं कह रही, मैंने एनी को बुलाकर गलती तो नहीं की? नहीं, मुझे वकार की खुशी चाहिए, और अगर वो एनी के साथ खुश है तो उसी में मैं भी खुश हूँ। वकार आने ही वाले होंगे, बेदिये बंद कर लिए तेनु केड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप गया
दूजा चन किधरों चिन। तारा मेरी बात सुन। क्या बात है? तुझे नहीं पता तूने और तेरी बेटी ने मिलके मेरी बीवी की इतनी बेइज्जती की है और तुझे शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? हाय बशीर, तू भी कैसी बातें कर रहा है? शर्म और ऐसी औरतों को? अपनी जुबान को लगाम दे रानो, समझी तू? तुझसे कहीं ज्यादा शर्म हया है हम दोनों माँ बेटी में। हर मैं भी कितनी पागल हूँ तुझ जैसी औरत से मुंह लगा बैठी। सुना तूने बशीर, ये क्या कह रही है मुझे? सारा बस, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। ये तू मुझे क्या बता रहा है? अरे अपनी इस रानो को बता, मैं नहीं गई थी इसके पास, ये चल कर आई थी मेरे पास मेरी पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीफ बेटी का रिश्ता मांगने, वो भी अपने बदमाश भाई के लिए, समझा तू? हाँ जी, बड़ी शरीफ है, इसीलिए तो तलाक का दाग लगा है माथे पे। वो मेरी बेटी है, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं है वो, तो किसी दूसरे के शौहर पे काबू कर ले। देख ले बशीर, ये क्या कह रही है मुझे। हाँ बितारा, तू और तेरी बेटी अब इस घर में नहीं रह सकते, अपना बंदोबस्त कर लो कहीं और। बशीर, ये तू क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक हफ्ते का वक्त है बस। बशीर ये मत भूल, ये मेरा घर है, समझा? अब बस है, मेरा मेरा मेरा। ये घर गिरवी था, तुझे कहा कि मैंने छुड़वा लिया, अब ये मेरे नाम पे है। तुझे कोई गलत फहमी है, जा जाकर पता कर ले, तू और तेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बस समझ गई? रानो फ्रूट लेके अंदर आया। जी लेके आती हूँ। से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी, काश अंकल भी जिंदा होते। पापा भी तुम्हें बहुत मिस करते। यानी इनसे मिलो, ये कोमल है मेरी बीवी। नानो। जी नानो की जान। नानो आप परेशान हैं? अब नहीं तो। नानो। जी बेटा। नानो नाना अबू क्या हमें यहाँ से निकाल देंगे? आपको किसने कहा बेटा ये सब कुछ? मैंने सुना था जब वो आपको यहाँ से जाने को कह रहे थे। मेरी जान आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो? तो मैं हूँ ना आपके साथ, और आपकी मामा भी हैं। और पापा, क्या हम पापा के साथ नहीं रह सकते? बेटा आपके पापा आते तो हैं आपसे मिलने। मेरा दिल करता है कि हम पहले की तरह एक साथ रहें। मैं समझ सकती हूँ नानो की जान, लेकिन आपकी मामा भी तो आपके बगैर नहीं रह सकते, क्या आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे? नानो मैं आपको और मामा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी जान, नानो की जान। मुझे बताया ही नहीं तुमने शादी कर ली। तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता रहता? मैं भी कितनी इडियट हूं ना, जाहिर है इतने सालों बाद तुम्हारी जिंदगी भी तो बदल ही सकती है ना। मेरे बारे में सब जान लिया, कोमल के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा तो सारी गलती मेरी है? नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, बहुत सारी चेंजेस किए हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ आके अंकल की बहुत याद आ रही है। मैं जान सकता हूँ, तुम उनसे बहुत प्यार करती थी। वो थे ही इतने प्यारे। सॉरी बकार, अंकल बहुत याद आते होंगे ना तुम्हें। हाँ लेकिन जाने वाले कभी वापस तो नहीं आते। मैं समझ सकती हूँ। कोमल खाना तैयार है? जी तैयार है। तो फिर चलो ना, एनी तुम्हें भी भूख लग रही होगी, चलें। यहाँ आके मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ, इस घर से जुड़ी यादें बहुत प्यारी हैं। अरे चलो अब खाना खाते, ठंडा हो रहा है। कोमल मेहमान आए हैं, कोई खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए। आइए। चलें।
शौकत ये तू छत पे क्या कर रहा है? वो किस बात का सोग मना रहा है? किसी बात का नहीं, मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से है। जब जानती है तो पूछ क्यों रही है? शौकत मैं तुझे साफ साफ लफ्जों में समझा रही हूँ, एक बार तू मेरी और अपनी बेइज्जती करा चुका है, अब मैं तुझे बार बार जलील होते नहीं देख सकती। वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। शौकत तू पागल तो नहीं हो गया? वो तुझसे कोई मोहब्बत शब्बत नहीं करती। मैं तो करता हूँ ना मोहब्बत, बेशक वो मुझसे मोहब्बत करे या ना करे। क्या हो गया तुझे? तेरा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया, पागल हो गया तू। हाँ हो गया हूँ पागल, और अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती ना तो छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। हाय शौकत होश से काम ले, तुझे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है ना, तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गया जो शादीशुदा भी है, उसकी एक बेटी भी है? क्या है उस लड़की में? ये दिल के सौदे होते हैं, ये सोच समझ कर नहीं होते। तेरी तो बिल्कुल मत ही मारी गई है, लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, वो तुझसे कभी शादी नहीं करेगी। तो फिक्र ना कर, मैं उसे मना लूंगा। ना कैसे भला? छोड़ इसको, ये मेरा और उसका मामला है। बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, खुद बनाया? जी ये लो ना तुम, तुम्हारे फेवरेट हैं, मैंने बनाया तुम्हारे लिए। बस करो, पूरे हफ्ते का खाना आज ही खिलाओगे? तो क्या हो गया, थोड़ा सा खा लोगी? पहले इतनी कमजोर हो गई? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। आप बहुत कम बोले शायद। हाँ कोमल तो बहुत कम बोल, देर से बात, तुम्हारी आवाज इस घर में अजनबी सी लग रही। मैंने कोमल से सवाल किया था। सॉरी। अच्छा कोमल आपकी हॉबीज क्या है, क्या करती हैं सारा दिन? शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ, घर ही होती है पूरा दिन। ठीक ही तो कह रहे हैं। बस सुन लिया ना, ठीक कह रहा था। तो अब आया रखा, तुम ऐसे तो कभी नहीं थे। क्या मतलब? इतनी बात तो नहीं। क्या करूं, तुम्हें इतने से बात देखकर दिल कर रहा है 10 साल से रुकी हुई सारी बातें आज ही कर। मैं जरा स्वीडिश काजम से कह दूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोमल क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या सोचना है, यही सोचेगी दो दोस्त बहुत अरसे बाद मिले और बातें कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन 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 कुछ नहीं। अच्छा बताओ निम्रा कैसी है? निम्रा बिल्कुल ठीक है। ये निम्रा कौन है? बेटी है मेरी, माशाल्लाह 8 साल की होने वाली है। गुड। मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम लोगों की फैमिली? जैसे बीवी को छुपा के रखा था अभी तक, बच्चों को भी तो नहीं छुपा के रखा? नहीं बच्चे तो नहीं है अभी। बहुत मिस किया मैंने आप। आपने मिस किया मैंने? जी। अच्छा आप जाओ बेटा, बाहर जाके खेलो, मैं नानों से बात कर लूँगा। ऐसे ही बस उदास हो रहा था, इसे देखने का दिल किया तो चला आया। अच्छा किया बेटा, निम्रा भी बहुत उदास हो रही थी तुम्हारे बगैर। आपने कभी सोचा है कि वो क्यों उदास है? जाहिर सी बात है बेटा, तुम उससे दूर जो हो। ये मैं जानता हूँ, लेकिन एक और वजह भी है। वो क्या, मैं समझी नहीं। मेरे साथ साथ वो अपनी माँ को भी मिस करती है। कहना क्या चाहते हो तुम? आंटी एनी निम्रा को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अटान बेटा तुम जानते हो कि एनी जॉब करती है। तो किसने कहा इसको जॉब करे? मैंने निम्रा उसके हवाले इसलिए किया है कि उसकी अच्छी तरबियत करे, उसको टाइम दे, लेकिन अगर उसके पास निम्रा के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या फायदा? अदनान बेटा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। जिन हालात में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, तुम नहीं जानते। ये एनी का फैसला है, एनी की चॉइस है, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन बेटा तुम हकीकत से नजरें कैसे चुरा सकते हो? जो भी है आंटी, मैंने
खुद एनी को बेला वजह घूमते फिरते देखा, वो सिर्फ जॉब की वजह से इस घर से नहीं निकलती। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ आंटी, मैंने आपके कहने पर निम्रा को यहाँ रहने की इजाजत दी है, मुझे मजबूर मत करें कि मुझे अपना फैसला वापस लेना पड़े। चलता हूँ। लेकिन बेटा तुम मेरी बात, ये वक्त देखें कौन सा ऑफिस होता है इस वक्त। थैंक यू सो मच वकार। थैंक यू किस लिए? इतना अच्छा खाना खिलाया, अपने घर लेकर गए, इतनी अच्छी बीवी से मिलाया। वेल इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, कोई और है। और कौन? मेरी बीवी। अच्छा। हाँ, जब उसे पता चला कि मेरी पुरानी दोस्त मुझे फिर से मिल गई है, तो उसने इंसिस्ट किया कि मैं उसे घर ले आऊं और उससे मिलवाऊं। सो स्वीट ऑफ हर, बहुत लकी हो तुम, बहुत प्यार करती है वो तुमसे। परेशानी है तो बताओ मुझे। ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे क्या परेशानी होगी? तुम दोनों के बीच एक खामोशी सी महसूस की मैंने, हो सकता है मेरा वहम हो। आप अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालें, कोमल ऐसे ही कम बोलती है शायद इसलिए। क्या मुझे वकार से घर के बारे में बात करनी चाहिए? शौकत के बारे में बताऊं? नहीं, शायद ये मौका ठीक नहीं है। साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़। हेलो कोमल, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की। तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी भलाई चाहती हो बस। कोमल तुम कितनी अच्छी हो, काश वकार तुम्हारी कदर जान पाता। कोमल, हेलो कोमल। हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। वो तो तुम हमेशा ऐसी कहोगी, शायद तकलीफ सहने में तुम्हें मजा आने लगा है। हाँ, शायद। अच्छा ये बताओ, लंच कैसा रहा? अच्छा रहा, अगर तुम भी रुक जाती तो और अच्छा हो जाता। तुम्हें तो पता ही है मेरे गुस्से का, मैं बाद में इतना पछताई कि मैं क्यों तुम्हें ऐसा छोड़ के आ गई। तुम अकेली थी, तुमने सब मैनेज कैसे किया होगा? नहीं मैंने कौन सा काम किया, बस नौकरों को ही तो बताना था। अच्छा ये बताओ कैसी थी वो? कौन? वही वकार की दोस्त। अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। एक तो तुम्हें भी ना हर कोई अच्छा लग जाता है, कभी कोई बुरा भी लगा है कोमल? तो फिर पूछ क्यों रही हो मुझे? आदत से मजबूर जो हूँ। अच्छा ये बताओ वकार तुम्हारे पास है? नहीं, वो तो एनी को छोड़ने गए। ओह, तो अभी तक वापस ही नहीं आया? आने ही वाले होंगे। तुम भी ना कोमल। क्या हुआ? कब तक वकार की गलतियों पे तुम ऐसे पर्दे डालती रहोगी? जब तक जिंदा हूँ। हेलो सानिया। हाँ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही? नहीं तो सानिया, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल सुबह चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बच्चों को प्यार देना। जरूर। ओके खुदा हाफिज।
5. निम्रा इधर आओ. कितनी बार तुम्हें मना किया इनके साथ नहीं खेलना, समझ में नहीं आती तुम्हें? इतने ही बुरे हैं हम तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती. हाँ जी मुंह नहीं लगना चाहती पर मेरे घर में रह सकती है. बाजी बाजी छोड़ दे, जाने दे. तू चुप कर, इसने समझ के रखा है हमको ये छूत है. मेरे हीरे जैसे भाई पे पता नहीं क्या जादू कर दिया जादूगरनी ने. मैंने आपको एक बार समझाया ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी. ना क्यों नहीं करनी बात, रात को तो तेरी जुबान बड़ी चल रही थी. तू मेरी बेइज्जती करी जाए और मैं तुझे छोड़ दूं, समझती क्या तू अपने आप को? चलो निम्रा मेरी बात का जवाब दे वरना. वरना क्या? वरना अपना सामान बांध और अभी निकल यहाँ से. ओ बाजी क्या कह रही है तू, जाने दे उसको, छोड़. तू चुप कर शौकत, ये मेरी बेइज्जती करे और मैं मुंह देखूं, ये नहीं होगा मुझसे. चल निकल यहाँ से, सामान बांध अपना, चल. मेरा बाजू छोड़े. नहीं छोड़ूंगी मैं, बड़ी आकड़ है ना तेरे में. एक रात सड़क पे गुजरेगी ना तो लग समझ जाएगी तुझे. तुम क्या चाहती हो कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं? इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी बीवी से नौकरी करवा रहा है? जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर करना चाहती हो जॉब तो कर लो. और पागल हो गए तेरी लाडली के पीछे, मेरे साथ भी जुबान लड़ाता है अब. उसकी इतनी हिम्मत, अभी पूछता हूँ जाके. हाँ जी बशीर भाई, क्या पूछ रहे हैं? वो मैं बस वो